का स्वागत है। मेरे साथ आदरणीय रवि चौबे जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी और खेल विभाग के मंत्री रमेश पटेल जी और हमारे कवासी लखमा जी उपस्थित हैं। मेरे सलाहकार भाई चौधरी जी हैं, शर्मा जी, शुक्ला जी, आरती सिंह जी और हमारे सीपीआर डीपीआर सभी अधिकारी लोग भी उपस्थित हैं। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ। आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। हर मंत्रिमंडल के बैठक के बाद, कैबिनेट के बैठक के बाद आदरणीय चौबे जी और आदरणीय अकबर जी दोनों संबोधित करते रहे। आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं तो मैंने कहा कि मैं भी इसमें शामिल हो जाता हूँ और कुछ बातें मैं कहूँगा, उसके बाद हमारे दोनों मंत्री आपसे बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि लोगों की डिमांड भी थी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारे डिपार्टमेंट एक ही हुआ करता था, अब इसे अलग अलग कर दिया गया है। इसमें SC और OBC अलग अलग विभाग होंगे, ST का अलग विभाग है, तीन विभाग होंगे इसका, जिसे सभी विभागों के अनुसूचित जाति विभाग के, अन्य पिछड़े वर्ग विभाग के और ट्राइबल के काम है वो सुचारू रूप से संचालित हो सके। और इसी के साथ साथ जिस प्रकार से ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बना था, अभी बना है, संवैधानिक व्यवस्था है, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब अनुसूचित जाति के लिए और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी एडवाइजरी कमेटी बनेगी। अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद और अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का निर्माण होगा, जिससे इन वर्ग के लोग शासन तक के अपनी बात कह सके और उन सुझावों का क्रियान्वयन भी हो सके। और इसके अध्यक्ष, जैसे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं, उसी प्रकार से SC एडवाइजरी कमेटी और OBC एडवाइजरी कमेटी दोनों के भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और इसमें जो से सदस्य इसमें लिए जाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण, दो महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिया गया है। और तीसरा निर्णय, अब चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें सबको मिला के, पूरे छत्तीसगढ़ को मिला के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा और इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। उसमें बच्चे भी खेलेंगे, बड़े बुजुर्ग भी खेलेंगे, महिलाएं भी होंगी, तो सभी लोग इसमें भाग ले सकेंगे, उम्र की कोई सीमा नहीं और हर प्रकार के खेल का इसमें आयोजन होगा। चौथा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वो कृषि के क्षेत्र में, अभी कृषि के क्षेत्र में जो सहकारी बैंकों में जो साख समितियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता था उस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपया तक, अब उसे 0% ब्याज में किसानों को ऋण मिलेगा, जिसमें हॉर्टिकल्चर है, फल है, उद्यान है, मछली पालन है, इसमें इस सबको जोड़ा गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला, अभी तक के हम लोग उसकी सीमाएं कम थी, अब उसे बढ़ाकर 3 लाख तक के कर दिया गया है। अलग अलग फल में, सब्जी में अलग अलग ऋण व्यवस्था होती थी, तो उसमें निश्चित सीमा रहता था कि जिसमें 0% ब्याज देते थे, अब उसे बढ़ाकर 3 लाख तक उस सीमा को बढ़ा दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण फैसला कि पूरे प्रदेश में अब
क्योंकि ऊर्जा उत्पादन में अब बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं और सोलर लाइट से ही हम लोग बिजली उत्पादन उसको बढ़ावा देने के लिए सोलर को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन सोलर से जो बिजली मिलती है वो दिन को ही, ऐसे में जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं तो उसके ऊपर में एक छोटा वाटर बॉडी बना दिया जाए और दिन भर में जितना बिजली वो पैदा करेंगे सोलर से तो उसे पंपिंग करके ऊपर के तालाब में भर दिया